अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम आज नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं जिसमें 12th पास एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल हैं और कैसे आप फॉर्म भरोगे और कौन कौन सी वैकेंसीज निकल कर के आई हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका डेट क्या है और फीस क्या रहने वाला है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिलेक्शन पैटर्न क्या रहने वाला है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर हम इस वैकेंसी की बात करेंगे, ये सभी स्टेट्स के लिए हैं और कश्मीर के लिए भी हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं कि कश्मीर के लिए एलिजिबल है इसमें या नहीं। देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। तो अब हम जॉब्स के रिलेटेड बात करेंगे। जॉब जो है ये एयरपोर्ट से निकल कर के आई है, आप खुद ही देख सकते हो इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 है। ये एयरपोर्ट की जॉब्स हैं जो आप एयरपोर्ट में, चाहे वो आप ग्राउंड स्टाफ देख रहे हो या वो चेकिंग स्टाफ या जिनके पास हम जाते हैं लगेज लेके, वो जॉब्स यहाँ से निकल करके आई हैं, वही काम आपको करना है। आपके पास क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और इसका जो फॉर्म है वो आप 6 मार्च से भर सकते हो। कब से? 6 मार्च से भर सकते हो। और लास्ट डेट क्या रहने वाला है? लास्ट डेट 22 मई 2024, ये आप खुद भी देख सकते हो। और इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन डेट वो अलग से अनाउंस किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी इसका डेट अनाउंस होगा तो हम इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद 15 डेज़ के अंडर आपका रिजल्ट क्लियर होगा। ये क्लियरली मैंशन इस नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले ही किया है। अब अगर हम बात करेंगे पोजीशन क्या है, सर्विस कस्टमर सर्विस एजेंट, जो मैंने पहले ही आपको बोला ग्राउंड स्टाफ या कस्टमर सर्विस एजेंट, ये जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपकी पोजीशन रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2, आपको 10+2 यानी 12th क्लियर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एज क्या? एज आपके पास 18 to 30 होना चाहिए। और नंबर ऑफ सीट्स यानी कितनी वैकेंसीज निकल करके आई है ये आप खुद देख सकते हो, 1074 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकल करके आई हैं। और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी 25,000 to 35,000 सैलरी रहने वाली है। और इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद उसकी उसी पे सिलेक्शन होगी। सिलेबस आप खुद ही देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और रीजनिंग। इसका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटा आपके पास टाइम होगा यानी 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, किसमें? आउट ऑफ 100 में मार्क्स होंगे। तो इसका सिलेबस, ये पूरा सिलेबस मेंशन है यहाँ पे। अगर आपको ये PDF चाहिए, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अब हम देखेंगे कि किस किस स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। हम यहाँ पे देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के भी लोग इसमें एलिजिबल है, यानी इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म अब भर लो, ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो इसके बाद जो सिलेक्ट होगा कैंडिडेट्स, उसको रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा, तो आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। प्राइवेट जॉब है लेकिन बहुत अच्छी जॉब है, तो अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। इनकी वेबसाइट ये रही, इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये प्राइवेट कंपनीज हैं लेकिन आपको अक्सर आप फ्रॉड में फंस जाते हो यहाँ पे। कभी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दिया है कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं एजेंट हूँ कंपनी का, या मैं कंपनी से एसोसिएट हूँ, या कंपनी का कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको जॉब प्रोवाइड करूँगा, आपको उसके ढांचे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको सिंपली प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बोला। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम देना, आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करोगे। आपको किसी भी के जांचे में नहीं आना है, आप फ्रॉड में फंस सकते हो। यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।